अनुभूति होती है। लेकिन इन सब से कहीं ज़्यादा, इन सब के साथ रैकी के माध्यम से बीमारियों का इलाज भी होता है। वास्तव में रैकी क्या है, रैकी को लेकर बहुत सारे मिथक हैं, बहुत सारी भ्रांतियाँ भी व्याप्त हैं कि क्या ध्यान या ध्यान योग रैकी है या योग की कोई शाखा रैकी है। बहुत सारी भ्रांतियाँ हैं, रैकी की वास्तविकता क्या है और रैकी में क्या होता है, रैकी कैसे करना चाहिए, साथ ही रैकी की कहानी क्या है, वो कब कब से शुरू हुआ, यह रैकी वास्तविकता क्या है, किसी दूसरे योग की शाखा है या क्या है, इस विषय पर करेंगे आज हम चर्चा अपने कार्यक्रम आकाश गंगा में। इस चर्चा में हमारे साथ हैं रैकी ग्रैंड मास्टर कहकशा सक्सेना जी। कहकशा जी, आपका बहुत स्वागत है आकाश गंगा में। नमस्कार कहकशा जी, आज हम बात कर रहे हैं कि रैकी को लेकर कि शक्तिपात प्रक्रिया के माध्यम से रैकी मास्टर के द्वारा व्यक्ति को स्थानांतरित की जाती है। प्रक्रिया शीर से हृदय और हस्त चक्रों को खोलकर रैकी और व्यक्ति के बीच जीवन भर रैकी उसके साथ रहेगी। रैकी एक व्यक्ति की सोच को बदलने में बहुत मददगार है। सकारात्मक और नकारात्मक मौसम को और माहौल को बदलने के लिए, समस्या को बताने के लिए संबंधित है, जो सादे ज्योतिष की तुलना में बहुत अधिक प्रभावशाली मानी जाती है और सबसे बड़ा इलाज माना जाता है। वास्तव में यदि हम साधारण भाषा में बात करें कि रैकी क्या है, व्हाट इज द रैकी, क्योंकि बहुत सारी चीज़ों को लेकर के बहुत सारी भ्रांतियां हैं कि कुछ अलग अलग लोगों ने रैकी को, कुछ लोग मानते हैं कि ये ध्यान की अवस्था है, कुछ लोग मानते हैं कि योग की अवस्था है, वास्तव में रैकी क्या है? रैकी एक सार्वभौमिक जीवन शक्ति है, यूनिवर्सल लाइफ फोर्स एनर्जी कहते हैं, जो कि हमेशा हमारे यूनिवर्स में ये फ्लो कर रही है, हमारे इर्द गिर्द रहती है। लेकिन सबसे पहली बात ये है कि हमें रेकी पे विश्वास करना है। जब हम विश्वास करेंगे कि हाँ ऐसी कोई चीज़ हमारे आसपास है, तभी ये रेकी भी काम करेगी हमारे लिए। भरोसा होना चाहिए, विश्वास होना चाहिए। विश्वास तो किसी भी व्यक्ति पर हो सकता है, किसी भी वस्तु पर हो सकता है, किसी भी शैली पर हो सकता है। जिस तरह से कहा जाता है कि विश्वास फलदायक है, यदि एक पत्थर पर भरोसा है, एक पत्थर पर विश्वास होता है तो उसे भगवान बना दिया जाता है। तो रैकी पर भरोसा करना क्यों ज़रूरी है, और जिस तरह से रैकी के बारे में कहा जाता है कि ये ध्यान है या शक्ति पात करना, एक दूसरे में हस्तांतरित करना, ये है क्या, रैकी की प्रक्रिया पूरी क्या है? कि रेकी, पहले तो बता दूँ, रेकी जो शब्द है वो जापनीज शब्द है, जो कि दो संविच्छेद से बना है, रे और की। तो रे जो है वो है सूरज की किरणें, वो रेज हैं, और जो की है जापनीज में की जो होती है उसको पावर कहते हैं। तो सबसे पहली बात कि जो सूरज की किरणें आ रही हैं उससे हमें ये पावर मिल रही हैं, और सूरज की किरणें 24 घंटे रहती हैं। अगर मैं आपको एक एग्जांपल दूं, एक उदाहरण दूं कि आपको एक बॉक्स में बंद कर दिया जाए और उसमें अगर ज़रा सा भी एक शून्य बराबर भी छेद होता है और वहाँ से अगर सूर्य की किरणें आ रही हैं तो आप जीवित रह जाएंगे। तो इतनी ज़्यादा पावर है उस सूर्य के किरणें पे। तो इसीलिए अब जापनीज नाम इसलिए है क्योंकि किसी जापनीज व्यक्ति ने इसको डिस्कवर किया है, तो इसलिए उसका नाम उसने रेकी रखा है। अगर ये कोई भारत का होता या कहीं और दूसरे देश का होता और इसको डिस्कवर करता, तो हो सकता है कोई संस्कृत में नाम होता, पर वो ठीक है, रेकी जो है उन्होंने साफ साफ बता दिया कि सूरज की किरणों से रे और की पावर हमें मिल रही है। सूर्य की किरणों का जो प्रकाश है, उस प्रकाश की जो शक्ति है, क्योंकि रे तात्पर्य की रेज सूरज की किरणें, की का जो तात्पर्य है वह है शक्ति या पावर। तो सूरज की किरणों का जो पावर है, जो शक्ति है, उसे केंद्रित करना, उसका विकिरणीकरण करना या साथ ही उसके माध्यम से उपचार करना, क्योंकि कहा जाता है कि रैकी भावनाओं, मन और मानसिक शांति, सुरक्षा और अच्छी तरह से किया जा रहा है, जैसे कई लाभदायक प्रभाव देता है। साथ ही पूरे व्यक्ति, सभी मानते हैं कि रैकी पूरी तरह से समस्याओं से छुटकारा पाने का एक आध्यात्मिक रास्ता है। क्या यह सच है कि रैकी के माध्यम से जितनी भी समस्याएं हैं उनसे छुटकारा पाया जा सकता है? बिल्कुल, मुझे तो अभी 27 साल हो गए हैं ये प्रैक्टिस करते हुए, और 27 सालों में इतने सारे एक्सपीरियंस हुए हैं मुझे। मतलब मैं ये नहीं कह सकती कि हाँ ये चीज़ ठीक हो जाएगी, लेकिन हम जब रेकी करते हैं तो इस माध्यम से, ये जो माध्यम है उससे सिर्फ हम प्रेयर करते हैं और उस चीज़ को पॉजिटिव वे में लेके चलते हैं। वो जो भी बीमारी है, जो भी प्रॉब्लम है, उसको सबसे पहले जब आप रेकी स्टार्ट करते हैं तो वो वहाँ उसको रोक देती है, उसको आगे बढ़ने नहीं देती। उसके बाद में वो उसकी जो प्रॉब्लम है जड़ से स्टार्ट करती है उसका इलाज। तो बहुत सारी प्रॉब्लम्स आप इससे सॉर्ट आउट कर सकते हैं। जैसे कि आपने बताया कि हम प्रेयर करते हैं, ध्यान की अवस्था जो होती है
जब हम ध्यान करते हैं या आज्ञा चक्र की या जिन जो हमारे शरीर में चक्र हैं उन चक्रों को साधने का प्रयास करते हैं, तो क्या वह चक्र शोधन प्रक्रिया जो है वह रेकी का ही एक भाग है, या चक्र शोधन प्रक्रिया ध्यान की अवस्था वह अलग है और रेकी अलग है? दोनों एक ही चीज़ हैं, पर आप अगर जब रेकी को याद करते हैं तो रेकी अपना काम शुरू कर देती है। इसमें सबसे पहली बात मैं ये बताती हूँ कि रेकी जैसे आप किताब पढ़ के या इंटरनेट पे देख के ऐसे नहीं आप रेकी कर सकते। एक रेकी ग्रैंड मास्टर या एक मास्टर टीचर वो ही आपको अट्यूनमेंट देता है या शक्तिपात देता है, दीक्षा देता है, जिसके थ्रू ये होता है कि आपके क्राउन चक्र, हार्ट चक्र और हाथ में जो ये पाम चक्र होते हैं इससे रेकी फ्लो होना शुरू होती है। तो जब वो आपको ये प्रोसेस देगा उसके बाद ही रेकी स्टार्ट करती है अपना काम करना। क्या एक रेकी मास्टर, रेकी ग्रैंड मास्टर, वो खुद में इतना शक्तिशाली होता है कि किसी दूसरे व्यक्ति को यदि उसको कोई पीड़ा है, कोई परेशानी है, कोई बीमारी है, तो वह शक्तिपात के माध्यम से या उस शक्ति का हस्तांतरण करके उस व्यक्ति को ठीक कर सकता है? बिल्कुल कर सकता है वो। और पर हमें ये पढ़ाया जाता है कि हम ये नहीं बोलते कि ये हम कर सकते हैं या एक ग्रैंड मास्टर कर सकता है, पर हमें ये सिखाया जाता है कि रेकी ही करती है सब कुछ, रेकी ही इलाज करती है। हम एक चैनल बन जाते हैं जब ये रेकी जब हमारे अंदर फ्लो करना शुरू करती है और जब हम रेकी देना शुरू करते हैं तो उस व्यक्ति और भगवान के बीच में हम एक चैनल बन जाते हैं और ये एनर्जी हमारे क्राउन चक्र से हाथ में फ्लो करके उस तक पहुंचती है। अब ये ट्रीटमेंट आप टच करके भी दे सकते हैं और आप दूर बैठ के भी दे सकते हैं उनको। दोनों ट्रीटमेंट एक ही होता है पर वो बराबर काम करता है। वो वर्तमान में वातावरण में इस तरह से प्रदूषण बढ़ रहा है, मनुष्य के खाने पीने में अनियंत्रितता है और अनियमितता है, जीवन में तनाव बढ़ते जा रहे हैं, ऐसी स्थिति में बीमारियों का बोझ भी मनुष्य पर बहुत अधिक मात्रा में आता जा रहा है, तो क्या रेकी वो माध्यम है जिस माध्यम से उन तनाव से मुक्ति मिल सके, खाने पीने की जो अनियमितताएँ हैं, वातावरण का जो प्रदूषण है, जीवन की जो आपाधापी और टेंशन जिसे हैं, वो रेकी के माध्यम से किस हद तक दूर हो सकती हैं? 100% दूर हो सकती है। जब हमारी हाथों से ऊर्जा निकलती है, सबसे पहले तो जब हम अपने आप को रेकी देते हैं तो हमारी सेल्फ हीलिंग होती है, हमारी क्या समस्याएं हैं वो ख़त्म होती हैं, बाद में हम जब दूसरों को देते हैं उनकी भी समस्या समाप्त होती है। आजकल स्ट्रेस में इतने लोग हैं, नींद नहीं आती है, ये सारी चीज़ें आपको रेकी से निजात दिलाती है। प्लस हम अपने पानी को रेकी दे सकते हैं, हम अपने खाने के पदार्थों को रेकी दे सकते हैं, क्योंकि ये जो हाथ से हमारी पॉजिटिव ऊर्जा निकल रही है वो उन सब की भी नकारात्मक चीज़ें खत्म कर देती है। जहाँ मनुष्य रहता है, हालांकि वो एक बिल्कुल अलग विषय है, वास्तु का विषय है, लेकिन तब भी जहाँ मनुष्य रहता है वहाँ कई बार देखा गया है कि कुछ बताते हैं लोग जो वास्तुविद होते हैं कि आपके घर में नकारात्मक ऊर्जा है, नेगेटिविटी ज़्यादा है, क्या रेकी के माध्यम से ये चीज़ भी हो सकती है कि घरों में जो नेगेटिविटी है वो दूर की जा सके? बिल्कुल की जा सकती है। मैं ये बताना चाहूँगी कि सबसे पहले जब रेकी डॉक्टर मिकाओ उसुई हैं जिन्होंने इसको डिस्कवर किया, जो कि जापान में रहते थे और ये एक टीचर थे, यूनिवर्सिटी में बाइबल पढ़ाते थे, और इनको स्टूडेंट्स ने जब ये पूछा कि ये बताइए कि हाथ रख के जीसस कैसे ठीक कर देते थे, तो इसका उत्तर उनको आता नहीं था, तो उन्होंने इसकी खोज करना शुरू कर दी। उन्होंने वहाँ पढ़ाई अपनी रोक कर, पढ़ाना रोक कर, और इस चीज़ की खोज करने लगे, तो उनको ये पता चला कि हमारे जो भारत में लॉर्ड बुद्धा रहते थे वो भी ये पद्धति इस्तेमाल करते थे। तो वो भारत भी आए, इतने साल पुराने, हज़ार साल पुराने की बात है, और वो भारत भी आए, उन्होंने यहाँ देखा तो उनको कुछ मतलब उन्होंने जैसे बुद्धा ने ये चीज़ आगे अपने फॉलोअर्स को दी नहीं कि वो कैसे करते थे। उसके बाद में उनको ये भी पता चला कि अभी तक हमारी ये पद्धति इस्तेमाल होती थी, जैसे कि साईं बाबा भी करते थे, वो हाथ से लोगों को ठीक करते थे, तो लेकिन उन्होंने भी ये चीज़ आगे नहीं बताई किसी को। तो वो ये सब पता करके चले गए और जब वहाँ पर एक मॉन्ग से मिले जापान में, तो उन्होंने ये बताया कि जब आप मेडिटेशन करते हैं तो आपको कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो मिल जाती हैं। तो वहाँ पर जापान में एक पहाड़ पर बैठ के उन्होंने मेडिटेशन शुरू करा और 21 दिन वो एक एक पत्थर रखते जाते थे गिनने के लिए कि कितने दिन होते जा रहे हैं, और वो वहाँ मेडिटेशन करते थे। फिर 21वें दिन उनको वहाँ पर आंधी तूफान और खूब बादल गरजे, बिजली चमकी। जब उन्होंने देखा कि जो बिजली चमक रही है, आँख खोल के देखा तो उसमें बहुत सारे जापनीज सिंबल दिखे,
कुछ वो 3500 के करीब जापनीज सिंबल थे जो कि उनको ऑटोमेटिकली याद होते गए। उनको लगा कि मुझे कोई चीज़ ऐसी शक्ति मिल गई है, और वो भागते भागते जब नीचे आ रहे थे तो वो पत्थर से टकराए तो उनके पैर में खून निकलने लगा। तो जैसे ही खून निकलना उन्होंने पकड़ा तो खून बंद हो गया, तो उनको लगा हाँ ये कोई शक्ति मेरे हाथ में आ गई है। और उन्होंने वो मॉन्ग से पूछा कि मैं क्या करूँ, तो उन्होंने बोला देखो अब ये चीज़ तुम्हें मिली है तो ये आगे स्प्रेड होनी चाहिए, क्योंकि अभी तक ये आगे हमने लोगों को बताई नहीं। तो उन्होंने सोचा कि हम इलाज करना शुरू करते हैं। एक ऐसे जगह चले गए स्लम एरिया में जहाँ पर कुछ गरीब लोग रहते थे, बीमार लोग रहते थे, उनका इलाज शुरू किया। पर उन्होंने देखा कि इलाज तो वो कर रहे हैं लेकिन बार बार वो लोग वापस आते थे। तो ये सोचते ऐसे इलाज का क्या फ़ायदा कि लोग बार बार वापस आ रहे हैं, इसका मतलब ये पूरी तरीके से इलाज नहीं हो रहा है। तो उन्होंने दोबारा मॉन्ग से गाइडेंस ली, तो मॉन्ग ने बोला देखो कोई भी चीज़ आप मुफ्त में देते हो तो उसका कोई इम्पोर्टेंस ही नहीं होती, तो वो लोग इसकी इम्पोर्टेंस नहीं समझ रहे हैं। तो आपको ये एनर्जी एक्सचेंज करना बहुत ज़रूरी है इसका, तो कभी भी आप किसी को रेकी दें तो उसका एनर्जी एक्सचेंज होना बहुत ज़रूरी है। तो उन्होंने फिर धीरे धीरे आगे सिखाना शुरू किया लोगों को, और इसीलिए रेकी में ये बोला जाता है कि एनर्जी एक्सचेंज बहुत ज़रूरी है, नहीं तो आपको रेकी नहीं लगेगी। दूसरी बात, जब हम अपने ठीक है अगर आप अपना एक सेंटर चला रहे हैं तो आप एक फीस रख देते हैं, लेकिन जब आप अपने घर वालों को रेकी देते हो तो वो घर वाले आपके लिए कोई सर्विस कर सकते हैं, जैसे चाय बना के पिला दी या पानी दे दिया या कोई गिफ्ट कर दिया आपको, तो इससे भी रेकी काम करती है। और जो ये 21 दिन वाली बात है कि रेकी 21 दिन ही क्यों देना होता है, क्योंकि वो 21 दिन वही हैं जो डॉक्टर मिकाओसी ने वहाँ पर मेडिटेशन किया था, तो 21 दिन में आपको रेकी काम करते दिखना शुरू हो जाती है। अब मैं वो घर वाली बात बोलूँगी, तो मैं इसलिए मैंने इससे कनेक्ट हुई कि जब घर में आप रेकी देते हो तो जब आप खुद को रेकी देते हो तो जो वाइब्रेशन फ्लो करती है आपके आसपास, तो घर की कुछ ऐसी प्रॉब्लम्स जैसे आपस में नई सौहार्द है लोगों का, वो रिलेशनशिप ठीक होने लगता है। और जो ये सिंबल्स हैं, ये सिंबल्स भी कहाँ, उनको 3500 सिंबल दिखाए दिए थे, आज हमारे पास ये सिर्फ 6 सिंबल रह गए हैं अपने पास, और उन 6 सिंबल से ही हम लोगों का इलाज कर रहे हैं। तो ये सिंबल्स भी आप अपने घर के दीवारों पे खींच सकते हैं, जिससे प्रोटेक्शन रहेगी और सकारात्मक ऊर्जा भी वहाँ फ्लो करेगी। ये दो बातें अभी आपने कही कि हाथ में शक्ति है रेकी के माध्यम से, हम किसी की समस्या के समाधान के लिए, जैसा कि जिन्होंने रेकी की खोज की वो स्लम एरियाज में गए और वहाँ पर जो बीमार बच्चे थे, बीमार लोग थे, उन्हें उस पद्धति से उन्होंने उपचार किया। आशीर्वाद सनातन धर्म में एक प्रक्रिया है कि यदि कोई छोटा किसी अपने से बड़े को प्रणाम करता है तो वह आशीर्वाद देते, और आशीर्वाद देने की जो मुद्रा है, क्या रेकी की वही मुद्रा है? और दूसरी बात, अभी आपने एक और बात कही कि रेकी जो देते हैं एनर्जी ट्रांसफर करने की, कि शक्तिपात होना चाहिए, या फिर परिवार के लोग हैं या जिनसे हम कोई राशि नहीं ले रहे हैं, फीस नहीं ले रहे हैं, तो वो कोई ऐसा कार्य करें, तो क्या आदान प्रदान जो विनिमय की प्रणाली है वह इसके लिए अनिवार्य है? बिल्कुल, ये आदान प्रदान बहुत अनिवार्य है, नहीं तो हम फिर कर्मा से इसको रिलेट कर देते हैं कि आपका कर्मा हो जाता है नेगेटिव, क्योंकि आपने किसी से कुछ लिया पर उसका वो थैंकफुल या ग्रेटफुल नहीं हुए, तो ये कर्मा से रिलेट हो जाता है, इसीलिए इसका आदान प्रदान करना बहुत ज़रूरी है। दूसरी एक और बात, वो मॉन्क ने उन्हें समझाया कि क्योंकि रेकी भी ऐसे नहीं देना है आपको, जब कोई आपसे मांगे तभी आपको रेकी देनी है उनको, लेकिन ये वेरिएशन हो जाता है, जैसे कोई बेहोश है तो अब हम उसका उठने का तो वेट नहीं करेंगे, नहीं कर हम उसको तो रेकी देंगे, ठीक है, या कोई परिवार वाले बोलते हैं कि प्लीज़ इनको रेकी आप दे दीजिए तो हम रेकी देते हैं। तो उनका मांगना बहुत ज़रूरी है, और रेकी पे विश्वास करना बहुत ज़रूरी है, और आदान प्रदान करना बहुत ज़रूरी है। एक और जिज्ञासा, क्या रेकी विज्ञान है या धर्म है या अध्यात्म है? ये एक विज्ञान है, इसको मैं धर्म से नहीं करूँगी, क्योंकि इसे कोई भी धर्म का व्यक्ति कर सकता है, इसका धर्म से कोई लेना देना नहीं है। यदि रेकी विज्ञान है तो विज्ञान की प्रमाणिकता होती है, और जिस तरह से आपने कहा कि यदि कोई मांगे नहीं मांग रहा है, कोई बेहोश व्यक्ति है, तो स्वाभाविक बात है उसे उसके उठने का इंतज़ार नहीं किया जा सकता है, और यदि कोई परिजन उसके परिवार के लोग कह रहे हैं तो उसे होश में लाया जा सकता है। क्या मेडिकल साइंस रेकी को उतना ही प्रमाणित मानता है कि
उपचार करने के लिए, किसी बेहोश व्यक्ति को होश में लाने के लिए मेडिकल साइंस उतना प्रमाणित मानता है रेकी को कि हाँ, रेकी के माध्यम से व्यक्ति होश में आ सकता है, उसकी बीमारियों का इलाज हो सकता है? ये मेरा, मैं अपना खुद का एक्सपीरियंस बताऊंगी कि जो डॉक्टर्स हैं, इसको सबसे आखिर में हमें महत्व देते हैं, क्योंकि इतना मेरा एक्सपीरियंस है, वो लोग ये शुरू शुरू में तो बोलते हैं नहीं, लेकिन जब उनके हाथ से ये केस उनको लगता है कि अब नहीं होने वाला है, कुछ मिराकल ही हो सकता है, तब वो हमें याद करते हैं, हमें आईसीयू में आने देते हैं, हम वहाँ पर रेकी देते हैं। और ऐसी बात नहीं है, इतने सालों में मेरे खुद का ये एक्सपीरियंस है कि कोमा से इंसान बाहर आया है, कैंसर पेशेंट ठीक हुआ है, तो बिल्कुल कहीं ना कहीं मैं समझती हूँ कि डॉक्टर्स ये नहीं बोलते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं बैक ऑफ द माइंड वो इस पे विश्वास करते हैं, क्योंकि फिर हमें बाद में क्यों याद करते हैं वो? सही बात है कि जैसे कि कहा जाता है कि जब दुआएं काम नहीं करती, जब दवाएं काम नहीं करती तब दुआएं काम करती हैं, तो रेकी भी एक तरह की दुआ है। एक कहा जाता है रेकी के विषय में कि रेकी स्पर्श चिकित्सा, मतलब टच थेरेपी जिसे कहा जाता है, लेकिन अभी आपने बताया कि दूर से भी रेकी दी जा सकती है, तो यदि कोई व्यक्ति बहुत दूर है, किसी दूसरे शहर में, हम भोपाल में बैठे हैं, कोई व्यक्ति दिल्ली में है, उसे आवश्यकता है, तो क्या यह संभव है रेकी के माध्यम से कि इतनी दूरी पर बैठ करके भी उसका उपचार किया जा सकता है? बिल्कुल किया जा सकता है, दिल्ली ही नहीं बल्कि विदेश में भी हम देते हैं। और जो मैंने सिंबल की बात करी, वो सिंबल इसीलिए ही होते हैं, बहुत पावरफुल सिंबल होते हैं, जिसमें एक ब्रिज सिंबल होता है, हार्ट टू हार्ट कनेक्शन होता है, तो हम उसके थ्रू हम वहाँ तक पहुँचते हैं और उनको मेडिटेशन करके रेकी देते हैं। रेकी के माध्यम से जिस तरह से कोई व्यक्ति बीमार है, उसका इलाज चल रहा है, और कई कई बार कहा जाता है कि दवाएं लगती नहीं हैं, दवाएं सूट नहीं हो रही हैं, दवाओं का जो असर होना चाहिए नहीं हो रहा, तो क्या रेकी के माध्यम से ये भी हो सकता है कि दवाओं, जो इलाज चल रहा है, जो दवाओं का है, उनका असर बढ़ाया जा सके? देखिए, जब हम रेकी स्टार्ट करते हैं किसी के लिए, तो उसका प्रॉपर ट्रीटमेंट शुरू होता है। अब जैसे किसी को अच्छा डॉक्टर ही नहीं मिल रहा, तो जब हमने रेकी की शुरुआत करी, उसको एक अच्छा डॉक्टर मिलना शुरू होगा, जो सही एडवाइस करेगा, सही उसका इलाज करेगा, तो रेकी जरिया बनेगी आपके लिए। ऐसा नहीं कि हमने रेकी दी तो आपको कोई इलाज नहीं करना, ऐसा नहीं है, आपको इलाज करना है, लेकिन इसमें एक जरिया बनता है, जो कि एक प्रॉपर आपको दिशा मिलेगी, सही लोग मिलेंगे और सही इलाज होगा आपका। इसमें मैं एक और बात बोलना चाहूँगी कि रेकी से, उसके रिजल्ट से हमको कनेक्ट नहीं होना है, हमें सिर्फ और सिर्फ उसको रेकी देनी है एक पॉजिटिव, इससे कि ये व्यक्ति ठीक हो गया है, हम यहाँ पॉजिटिव चलते हैं, फ्यूचर में बात करते हैं, ये पास्ट टेंस हो जाता है कि ये पहले से ही बोल देते हैं कि ये व्यक्ति ठीक हो चुका है, और रेकी के रिजल्ट से हमें नहीं जुड़ना कि क्या होगा, कुछ हो गया तो क्या होगा, ऐसा कुछ नहीं है, जो भी होगा, जो रेकी डिसाइड करेगी। जैसे मैं एक एग्जांपल देती हूँ कि एक व्यक्ति है जो 70% जल चुका है, और वो आपसे विनती कर रहा है कि प्लीज़ मुझे रेकी दे दीजिए, रेकी दे दीजिए। अब आपने रेकी देना शुरू किया उसको और उसकी डेथ हो जाती है, तो अब आपको ये नहीं ब्लेम करना कि ये कैसी रेकी है, वो तो उसकी डेथ हो गई। हो सकता है कि उसको इतना पेन है कि रेकी ने उसको पीसफुली उसको ये दे दिया कि हाँ, इसको पीस मिल जाए और शांति मिल जाए, इतना दर्द ये नहीं सहन कर पा रही, तो हमें रेकी के रिजल्ट से नहीं वो करना है। मतलब ये भी एक कहा जा सकता है कि जैसा आपने उदाहरण दिया कि उस व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है, तो हो सकता है कि रेकी के माध्यम से कि उसकी पीड़ा खत्म कर दी है, जो पीड़ा मिटाई नहीं जा सकती थी उसे खत्म कर दिया गया, कि उस पीड़ा के माध्यम से उसे तकलीफ हो रही थी, उसकी तकलीफ दूर कर दी है। एक और बात, रेकी के कोई साइड इफेक्ट होते हैं क्या? इसके कोई भी साइड इफेक्ट नहीं है, या तो ये काम करेगी या नहीं करेगी, लेकिन कुछ नेगेटिविटी नहीं होगी, कुछ भी नहीं होगा, ना आपके शरीर में कुछ होगा, या लोग कुछ इफेक्ट आपसे नेगेटिव करेंगे, कुछ भी नहीं होगा, या काम करेगा या नहीं करेगा। एक और बात कि जिस तरह से आपने कहा कि किसी को रेकी दी जा रही है, आप रेकी ग्रैंड मास्टर हैं, आप किसी को रेकी दे रहे हैं, तो आपके विचारों में जो चीज़ें हैं, आपकी पॉजिटिविटी है, आपने रेकी को पढ़ा है, वो ध्यान अवस्थाएं या आज्ञा चक्र या जो भी चक्रास हैं, उनको हीलिंग के माध्यम से आपने वो किया है, लेकिन जो व्यक्ति आपसे रेकी ले रहा है, क्या यह ज़रूरी है कि उसके विचारों की शुद्धता हो? क्या यह ज़रूररी है कि वो वैसा सोचे जैसा आप कह रहे हैं? यदि वो कुछ और सोच रहा है, उसका भरोसा यदि थोड़ा सा कमज़ोर है, क्या तब भी उस पर रेकी लागू होती है?
बिल्कुल होती है। कई बार तो हम लोग बताते भी नहीं है कि हम इनको रेकी दे रहे हैं, जैसे घर वाले चाहते हैं कि अपने किसी घर के मेंबर का कुछ अच्छा हो जाए तो वो भी हमें बताते हैं, तो हम उनको बगैर बताए भी रेकी दे सकते हैं। जी और दूसरा ये कि ऐसा कुछ नहीं है कि उनके विचार ऐसे होने चाहिए, ये होना चाहिए। हाँ, अगर वो खुद आ रहा है तो फिर वो विश्वास के साथ आए। मैं एक अपना सबसे पहला एग्जाम्पल बताती हूँ। जब मैंने रेकी सेंटर अपना स्टार्ट किया था तो जो पहला व्यक्ति आया था वो इस तरह का था कि उसने कहा था कि मुझे ऐसे लोगों की आवाज़ें आती हैं जो मर गए हैं और जो जिंदा हैं, वो मुझे बहुत ही अजीब अजीब सी गलत बातें बोल बोल के, और मुझे हर वक्त उनकी आवाज़ें आती हैं। इस वजह से वो इंसान जो है वो बहुत पीने भी लग गया था ताकि उसको नींद आ जाए और ये आवाज़ें ना आए। तो ये सबसे पहला चैलेंज था मेरे लिए, क्योंकि मैंने तो ऐसा सोचा नहीं था। जब मैंने सीखा था तो मुझे जी लगा था कि मैं इलाज करूंगी, लेकिन ये ऐसे आए ठीक कि कर इनको रहे हैं। आवाज़ें आती थी लोगों की। तो मैंने उनको टच थेरेपी से देना शुरू किया, और जब मैंने पहले दिन दिया तो मैंने उनसे यही एक शर्त रखी थी कि आप ड्रिंक नहीं करेंगे, बस मैं आपको सुबह टच थेरेपी दूंगी और रात में मैं आपको डिस्टेंट दूंगी। तो उन्होंने बिल्कुल इस बात का ध्यान रखा, और मैं उनको दिन में 2 बार देती थी रेकी, और 7वें दिन आप यकीन नहीं मानोगे उस आवाज़ ने उसको बोला कि तू रेकी लेगा, कैसे लेगा हम देखते हैं। और 8वें दिन वो आवाज़ें सब भाग गई उसके पास से। तो ये मेरे लिए सबसे बड़ी, मतलब सबसे बड़ा इलाज था मेरे लिए, जो कि मैं आज तक नहीं भूली हूँ। क्या रैकी को हम मिरेकल या जादू मान सकते हैं? मैं मिराकल मान सकती हूँ उसको, जादू तो नहीं मानूंगी, ये कोई जादू नहीं है। हाँ, मिराकल ज़रूर है कि मतलब हाथ रख के हम ट्रीटमेंट्स दे रहे हैं तो बिल्कुल मिराकल्स होते हैं। जैसे ये मैंने बताया जी आपको तो बिल्कुल मिराकल ही था कि बिल्कुल डॉक्टर्स कुछ नहीं कर पा रहे थे हाँ। और वो पता नहीं कहाँ कहाँ क्या क्या करवा रहा था, लेकिन रेकी से वो बिल्कुल ठीक हो गया। जिस तरह से सनातन धर्म में तंत्र की एक साधना कही जाती है, तंत्र के माध्यम से भी उपचार होता है, जो परेशानी अपने होता है कि जब आपके पास जो पहला केस आया था कि उसे आवाज़ें आती थी, तो लोग इन बातों को भूत प्रेत से जोड़ लेते हैं, जी इन बातों को आत्माओं से जोड़ लेते हैं। तो क्या तंत्र में जो उपचार हैं, तंत्र में जो विधाएं हैं, वही रैकी में हैं? नहीं, ये बिल्कुल तंत्र मंत्र इसका कोई लेना देना नहीं है। हम तो वो 6 सिंबल यूज़ करके बस ध्यान लगा के उनको रेकी देते हैं। और ऐसा भी नहीं है कि ध्यान लगाना है तो किसी कमरे में अकेले बैठ के, और ये कोई ऐसा रिचुअल नहीं है। आप रेकी स्टार्ट करके टीवी देखते देखते भी आप उनको रेकी दे सकते हैं। आप गाड़ी में जैसे पीछे बैठे हैं, ट्रैवल कर रहे हैं तो आप दे सकते हैं, आप ट्रेन में, बस में, प्लेन में, कहीं भी रेकी दे सकते हैं। मुझे रेकी की सबसे अच्छी बात यही लगती है कि ये बिल्कुल सिंपल रेकी है। ये आप कहीं भी, हमें कोई ऐसा नहीं चाहिए कि कोई हम अभी ऐसी जगह चाहिए और यहीं बैठ के दे सकते हैं। ये सारे इंस्ट्रूमेंट्स होने चाहिए, कुछ भी नहीं है, आपके 2 हाथ बस वही काफी हैं। आप बस ध्यान लगा के उनको रेकी दे सकते हैं, तो कहीं भी दे सकते ठीक हैं है, और किसी भी समय दे सकते हैं। एक और आखिरी सवाल, रैकी कैसे सीखी जा सकती है? रेकी एक ग्रैंड मास्टर या मास्टर टीचर होता है, वही आपको सिखा सकता है, और इसे कोई भी सीख सकता है, कोई भी व्यक्ति सीख सकता है। बहुत आसान है। इसमें ये ज़रूरी नहीं कि आप आध्यात्मिक हो या आप मेडिटेशन बहुत अच्छा करते हो, ऐसा कुछ नहीं है। एक नॉर्मल इंसान सीख सकता है, बस उसको विश्वास होना चाहिए बस। रैकी में सबसे पहली और सबसे आखिरी ज़रूरत जो है वो है विश्वास की। यदि आप में विश्वास है तो रैकी आप सीख सकते हैं, और रैकी जब आप खुद के लिए करते हैं तब सकारात्मक ऊर्जा आपके आसपास ग्रहित होती है, और वही ऊर्जा आप किसी दूसरे में जब